जो रेफरेंस है वो समय पे आप पूछ सकते हैं। रिपोर्ट ने 2014 का 428 हिंदू पूजा स्थलों में से केवल 20 बच गए, 20 बच गए। मान्यवर, ईसाई धर्म की बेटी आसिया बीबी का मामला जग विख्यात है। मान्यवर, 47 में जो 23% वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी थी, अब 3.7% रह गई। मान्यवर, बांग्लादेश के अंदर भी जब तक शेख मुजीबुर रहमान थे सब ठीक चला, जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की सरकार गई, एक अंधे कानून की तरह वहां की धार्मिक लघुमतियों पर अत्याचार हुए। मान्यवर, मैं आपको बताता हूं कि ढेर सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को यहां शरण में आना पड़ा। छोटे ग्राम का केवेल धाम में अक्टूबर 1990 में हमला किया, जिसमें 300 घरों को आग लगा दी। एक बार 200 हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक जघन्य अपराध किया, और उस दिन 2 अक्टूबर के दिन का है। मान्यवर, अभी की सरकार वहां के धार्मिक लघुमतियों की चिंता कर रही है, इसके लिए प्रबंध भी कर रही है, मगर एक लंबा कालखंड गया जिसके तहत धार्मिक प्रताड़ना के मारे ये लोग अपने देश में आए हैं। इनको शरणार्थी को नागरिकता देने के लिए ये बिल है। मान्यवर, 1992 में के पूर्व अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे, अब 2018 में यूएन के एक रिपोर्ट के अनुमान से केवल 500 सिख और हिंदू परिवार बचे। शेम, 2 लाख में से सिर्फ 500। मान्यवर, हमें मालूम है कि बमियान के अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी, तोपे चलाई गई, उसको उड़ाया गया, सारे बुद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया, वहां से सारे भदंत भागकर भारत आए इनकी रक्षा के लिए। पूजा स्थल पर जाने की वहां मान्यवर मनाही है, मुस्लिमों की आलोचना करने की मनाही है। अल्पसंख्यकों ने अपने घर पर निशानी के तौर पर अपमानित तरीके से एक पीला कपड़ा टांगना पड़ता है। हिंदू और सिख महिलाओं ने अपना कपड़े का कलर कोई भी हो, उस पर पीला टीका लगाकर एक कपड़ा टांगना पड़ता है जिससे वो चिन्हित हो, और बुर्का पहनना भी कई प्रांतों में अफगानिस्तान के कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, क्रिश्चियनों के लिए भी ढेर सारे अत्याचार पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। मैं आज ये गरिमामयी सदन को बताना चाहता हूं, मान्यवर, पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उन्हें अछूत समुदाय माना जाता है, उनकी जीवन की दशा दयनीय है, बेहद गरीबी की स्थिति में मलिन बस्ती में रहने के लिए उनको मजबूर किया गया है। एक केरल के पादरी को वहां उठाकर ले गए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरवीन कर उनको छुड़ाने का काम किया। जुलाई 2010 में कराची के बगल में मुराद मेमन घोट में 150 क्रिश्चियन लोगों की बस्ती पर हमला किया और 34 से ज्यादा मौत के घाट उतार दिए गए, चर्च को तोड़ दिया गया। मान्यवर, 2002 में कुछ बंदूकधारियों ने तक्षशिला के क्रिश्चियन अस्पताल में बम फेंके, जिसमें 2 नर्स और 2 नन सहित 4 लोगों की मौत हुई, 25 घायल हुए। 2009 में कुछ अज्ञात बंदूकधारी ने कराची शहर के बीचों बीच क्रिश्चियन चैरिटी संस्था पर हमला कर 6 लोगों को मार दिया, 24 घायल हुए। 2009 में एक मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा ईसाइयों को मारने का आह्वान करने पर 2 मुस्लिम बंदूकधारी बुरखे में आकर एक चर्च पर बम फेंका, जिसमें 3 क्रिश्चियन बच्चियों की मौत हो गई। 2005 में संगला हिल 3000 मुस्लिम उग्रवादियों ने हमला कर रोमन कैथोलिक आर्मी और चर्च पर हमला किया और पूरे चर्च को ध्वस्त कर दिया। मान्यवर, 2009 में गोजारा के दंगों में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हुए। 2011 में गुजरावाला शहर में 500 प्रदर्शनकारियों ने ईसाई समुदाय पर हमला कर कम से कम 20 लोगों को मार दिया और ढेरों घायल हुए। 2013 में
लाहौर की ईसाई बस्तियों को मुसलमानों ने हमला कर 100 से ज्यादा घर जला दिए, जिसमें 20 लोग जिंदा जल गए। माननीय मेरे पास ये पूरा है, मैं तो इसको रिकॉर्ड पर भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये माननीय अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जो बिल लेकर आया हूँ वो किसी की भावना हर्ट करने के लिए नहीं, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अभी मेरा भाषण चल रहा है भैया, नहीं सुन रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। मान्यवर, ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का इस देश के माइनॉरिटी की और मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, ये नहीं अन्याय होगा। मैं एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं, 2013-14 में जो कांग्रेस का अंतिम बजट था, इसमें माइनॉरिटी कल्याण के लिए 3500 करोड़ थे, 19-20 के बजट में 4700 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, कई सारे उस्ताद से लेकर उनके रोजगारी के ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ चालू हुए। इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और सीईओ भी बन सकता है। हमारे देश में कभी पर भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया है, और ये हमारे देश का गौरवप्रद इतिहास है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी भी इस विश्वास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सीएबी का जो बिल है, इस देश के मुसलमानों की नागरिकता को किसी भी दृष्टि से हर्ट नहीं करेगा। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। दूसरी बात, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर इसी दृष्टि से सोचे तो फिर तो दुनिया में जितने लोग हैं सबको हमने नागरिकता दे देनी चाहिए। कौन से देश में ऐसा प्रावधान है? ह्यूमन राइट के चैंपियन देश सारे हैं, वहां जरा कोई एक भारत का नागरिक को नागरिकता दिलाकर देख ले, दे सकते हैं क्या, ले सकते हैं क्या? हर देश ने अपने कानून बनाए, हम भी अपना कानून बना रहे, हर एक को यहां नागरिकता नहीं मिल सकती। एक स्पेशल क्लास के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये करोड़ों लोगों के जीवन को एक नया सवेरा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इसको आप लोग स्वीकार करें। ऐसी विनम्रता से प्रार्थना कर मैं मेरी बात को समझ रहा हूँ। आई हैव प्लीज आई एम कमिंग प्लीज हूएवर इज शाउटिंग आई हैव नोटेड आई विल नॉट गिव देम एन अपॉर्चुनिटी व्हाट एवर यू वांट टू डू आई एम गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर मेंबर्स हु आर हियरिंग नहीं बैठ जाइए बैठ जाइए इधर बैठ जाइए ना प्लीज बैठ जाइए यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव in this position if you threaten the chair and you challenge the chair and you want opportunity I am going to call the members who have raised the issue the Sri Digvijay Singh ji has sent a note honorable home minister that he has not even spoken in the debate his name was taken so you want to clarify please thank you sir bahut bahut dhanyawad maniye sarvati mahoday mani grah mantri ji ki badi kripa hai mujh par main jab किसी चर्चा में भाग भी नहीं लेता तो दो दो बार मेरा नाम लेकर उन्होंने उल्लेख किया। मैं बड़ा आभारी हूं आपका। पहला तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा, उसमें दिग्विजय सिंह बीच में कहां से आ गया? राइट। दूसरा मेरा प्रश्न ये है, दूसरा माननीय, आपने कहा मुसलमानों के तुष्टिकरण और भयभीत होने की बात, वाकई में एनआरसी से लेकर सी कैप तक राइट आपने व्हाट इज योर क्वेश्चन सर माय क्वेश्चन इज मेरा सवाल इतना सा है और ऑब्जर्वेशन भी है कि एनआरसी से लेकर कैप तक इस देश के मुसलमानों में भय है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। राइट और सर राइट हो गया। नो यू कांट मेक ए स्पीच अगेन सर, यू कैन नॉट, देयर इज नो सच प्रोविजन सर। सर श्री आनंद शर्मा सर, श्री आनंद शर्मा जी वांट टू आस्क के मामले में आपने बात नहीं बहुत बधाई आपको। यू कैन नॉट हैव अनदर डिबेट, यू आर राइटली रेज द इशू बिकॉज़ यू आर नॉट स्पोकन, योर नेम इज टेकन, आई हैव गिवन अपॉर्चुनिटी। हिंदू महिलाओं को बिना तलाक के भी छोड़ा हुआ है, उनके लिए गोइंग ऑन रिकॉर्ड।
नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड श्री आनंद शर्मा जी, यू हैव टू आस्क क्लारिफिकेशन, आई विल नॉट गिव ना सर, माननीय ओबे द रूल्स एंड देन एवरीबॉडी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ और एक प्रश्न है, क्योंकि ये जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये जो ये एक्ट लाए हैं, पहली बात ये है कि ये एक्ट तो 1955 का है, इसमें 9 बार इसमें संशोधन का बिल है, पर क्योंकि आपने कहा कि 72 साल तक ये लोग लाखों करोड़ों लोग जितने भी संख्या हो, उस बहस में मैं नहीं जाता, इन लोगों को किसी ने इनकी पीड़ा नहीं सुनी, पुकार नहीं सुनी और बात नहीं सुनी। मेरा सीधा प्रश्न ये है, क्योंकि मैंने सुबह इस बात को कहा था कि जब संविधान बना था भारत का, संविधान में बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद जो विस्थापित उत्पीड़ित लोग थे, उनको बिना किसी रोक के भारत में आने का, भारत की नागरिकता लेने का प्रावधान संविधान ने किया। दूसरी बात कि जहां तक प्रश्न है सिटीजनशिप एक्ट का, क्योंकि इसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जैसे मैंने कहा जो जन्म से, प्लीज आस्क क्लेरिफिकेशन। हाँ, मैं प्रश्न सीधा कर रहा हूं सर, मैंने आर्टिकल 6 का भी जिक्र किया था, और जो संविधान का ये जो आप लाए हैं संशोधन बिल, वो 1955 का जो बिल है उसके 3 जगह पे उसमें प्रस्तावना आपने की है, एक तो सिटीजनशिप एक्ट के, एक तो 21A, उसमें आपने ये एडिशन किया है। सुहानंद जी, यू हैव टू आस्क क्लेरिफिकेशन, यू कांट अगेन मेक। एक प्लीज। दूसरा जो 6 में है शेड्यूल 3 का, उसमें आपने स्वयं कहा है कि आपने अवधि जो घटी है वो 11 साल से हटा के 5 बरस की है, उसको आपने बताया, तो क्या ये कहना उचित होगा कि 72 साल तक वो तमाम लोग जो बंटवारे से, पार्टीशन से प्रभावित हुए, पाकिस्तान चले गए, चाहे पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिम पाकिस्तान, उनको भारत की नागरिकता और भारत में आने का सम्मान से कोई अधिकार नहीं था, ऐसी बात उचित नहीं होगी। स्पष्टीकरण चाह रहा हूं।